आज इनेलो के कुरुक्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला कैथल लोगों से वोट की अपील करने के लिए कैथल पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र के सीट पर किसी पार्टी विशेष से लड़ाई करने नहीं आया, बल्कि मैं अपने आप को साबित करने के लिए यहां पर आया हूं और जैसे अर्जुन ने जीत हासिल की थी वैसे मैं भी यहाँ पर जीत हासिल कर लूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ 9 हलकों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, कुछ स्टेट लेवल पर भी है और कुछ हमारे विधानसभा लेवल पर भी मौसम आते हैं, जैसे कहीं पर वाटर लेवल कम आ रहा है तो कहीं पर हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इन सभी समस्याओं को निजात करने के लिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। देखिए जी, जाहिर सी बात है कि अर्जुन यहाँ नया है, लेकिन अर्जुन का जो रिश्ता कुरुक्षेत्र के साथ है वो बहुत पुराना है। अर्जुन के परदादा के समय से, उनके दादा के समय से, उनके पिता के समय से यहाँ सभी साथियों के साथ उनका रिश्ता बढ़ता गया है। जो हमारे सांसद महोदय हैं, जब वो एसआर पहली बार गए थे तो उनको भी नाम नहीं याद थे। मेरा काम यहाँ के गाँव के नाम याद करना नहीं है, यहाँ के गाँव की समस्याओं को और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को किस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज़ उठाई जाए, ये मेरा काम है। हैं देश के अंदर जिनके अंदर ना देखा जाता किसी पार्टी को और ना ही किसी और चीज़ को, अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, नोटबंदी आप ले लो, चाहे आप जीएसटी ले लो, जीएसटी का जो जो उसको सिंप्लीफाई करेगी सरकार, जो पॉलिसीज उनको सिंप्लीफाई करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे। स्वामीनाथन आयोग को जो सरकार प्रपोज करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। किसानों के जो कर्ज़े माफ़ करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। पॉलिसीज तो हमारी बनी हुई है, पर हमेशा ये नहीं देखा जाता कि किसी पार्टी को साथ जाओ या किसी और के साथ जाओ। कई बार वो कानून भी देखा जाता है, कई बार वो पॉलिसी देखी जाती है जिसकी वजह से लोगों को फ़र्क पड़े। वो पॉलिसी हमारा देखना हमारा काम है, उस पॉलिसी को बनाना, उस पॉलिसी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, ये हमारा काम है। जो उनके मन में हो, क्या उनके ख्याल में ये बातें आई सोच कर, वो जाने। उनकी इन बातों में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लो हमारी पार्टी है, हम संभालेंगे। अगर कोई ख़राब करेगा उसको तो हम देखेंगे। दिग्विजय जी से मैं यही कहूँगा, आप उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी है, वो अपनी पार्टी का देखें और लोकदल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में उनको सोचने की जरूरत है।